मैंगो ओरिजिनल माजा। मैंगो की बोतल में भर चुका है दूध, माजा नहीं है। एंड सो गाइस, हो चली है एक और नई सुबह अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों के बीच में। एंड यार, एक दो दिन ब्लॉग नहीं दे पाया था किसी रीजनवश। एंड आजकल चली हैं नवरात्रियाँ, आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसके साथ ही अभी जाना है मुझे दूध देने के लिए पड़ोस में। एंड सो गाइस, फिर जल्दी से पहले दूध दे करके आते हैं एंड उसके बाद देखते हैं दिन में होता है क्या। एंड भैया कल आ गए थे ससुराल से, कल हमने भाई मछलियाँ भी खाई थी। एंड क्योंकि भाई इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि भाई सभी लोग नॉनवेज खाने वाले नहीं होते हैं, तो वीडियो दिखाना सही नहीं रहता। एंड सो उसके साथ ही दिखाता हूँ, शेरू चेयर में बैठता है अधिकतर और अभी भी चेयर में बैठा हुआ है। हेलो, तो फिर भाई चलते हैं अभी दूध देने के लिए। ठीक है, दूध दे के आओ। ओके, एक बंदर गया है अभी यहाँ अमरूद के पेड़ में। बंदर नहीं, सोनू है ये, अमरूद उठा रहा है। ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पास में ही है जस्ट। तो अभी घर से मैं निकल आया हूँ, सामने वाले घर पे जाना है, नीचे यहाँ से दिख रहा है। अभी बोतल खाली हो चुकी है एंड दूध पहुँचा के आ गया हूँ और साथ में पैसे पैसे भी मिले हैं भाई। अभी पूरी तरह से धूप आई नहीं है घर पर, अभी यहाँ तक आई है। अभी अभी जस्ट किया है ब्रेकफास्ट। एंड यार आजकल लगा है पहाड़ों में असौज, यानी भाई आजकल घास काटना, लूट लगाना, खेतों की सफाई करना, ये सभी को चल रहा है। एंड कुछ दिनों के बाद फिर धान भी तैयार हो जाएंगे तो धानों की कटाई शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अभी घर के आसपास जो खेत हैं तो उनकी सफाई करनी है। अभी मुझे जाना है खेतों की ओर, तो चलते हैं सीधे खेतों की ओर। और साइड में आप देख सकते हैं फ्लावर्स, ठीक है, गुलाब, गुड़हल और भी बहुत सारे फूल हैं यहाँ पर। एंड भैया पहले से गए हुए हैं और लोग सब लोग, कोई घास काटने, कोई कहीं सब लोग काम पर गए हैं। इतनी बड़ी झाड़ी हो रखी है खेत में, अभी सारी उखाड़नी है, ठीक है। इसमें पहले अरबी थी, तो अरबी के आपको पत्ते दिख रहे होंगे, बहुत कम अरबी रह गई है। अब शुरू करते हैं काम यहाँ से। वहाँ से लेकर के ये सारी झाड़ी अभी निकाल दी है, घास बोलूँ तो। एंड उसके साथ ही अभी धूप भी पूरी तरह से चमक वाली आ गई है। एंड 11 बज रहे हैं अभी, भैया आगे को चले गए हैं एंड अभी मैं हूँ यहाँ पर एंड मैं भी जाता हूँ। अब 11 बज गए हैं, उसके साथ ही घर पे हो रहा है लंच तैयार। और अभी तक हमने ना बिल्कुल नॉन स्टॉप बोलूँ तो नॉन स्टॉप ही हमने झाड़ी निकाली थी और अब जा कर के लंच करेंगे एंड उसके बाद फिर शाम को इस वाले खेत को पूरा कर ही देंगे। और उस यहाँ पे गेहूँ डाल दिए हैं सुखाने के लिए। यार लंच भी हो चुका है तैयार एंड लंच से पहले एक काम और मिला है कि शेरू को नहलाना है। बहुत दिन हो गए हैं शेरू ने नहाया नहीं है, जब नहलाने के लिए उसको पकड़ते हैं ना भाग जाता है, तो आज उसको पकड़ करके नहलाना है सबसे पहले। चलिए फिर पहले वो काम शुरू करते हैं। उसको नहलाने के लिए इसकी जंजीर जिससे उसको बांधूंगा और उसके साथ ही शैम्पू क्लिनिक प्लस। अब शेरू बुलाना है। ले आजा आजा आजा, आएगा नहीं, ऐसे नहीं आएगा। ले ले ले, अंदर ही जाना पड़ेगा बांधने के लिए, आ नहीं रहा है ऐसे। अंदर ही जाता हूँ। ये यहाँ पर छुप रहा है, ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है? ले तो अब हार आगा, मुश्किल से अभी मिल गया फिर भी छुप रहा है। यहाँ पर इसको पहले बांध लेते हैं। चल 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 चल, आजा आजा तो बुरी ना आ रही यहाँ बात जा, यहाँ जा यहाँ जा, ये छोटी बात है, बुरी ना आ रही पोछोगे। अब ये क्लीनिंग करेगा थोड़ी देर। शेरू नहाने के बाद ऐसा करते रहता है, ये तो कुछ इस तरह से
शेरू नहलाने नहीं देता है, लेकिन आज पकड़ के ना इसकी पूरी मरम्मत क्या की, पूरी सफाई कर दी है शैम्पू से। अभी थोड़ी देर के बाद ये सूख जाएगा, फिर इसके बाद ये अंदर चले जाएगा। एंड सो गाइस, फिर कर लेते हैं अभी लंच। ना भाभी ने बनाया है, आपने बनाया ना? हाँ। आपने बनाया, ईजा ने बनाया? हाथ नीचे करो, हाय तो करो। हाँ। हेलो हाय, और क्या हाल चाल हो रहे हैं? बढ़िया हो रहे हैं। खाने में क्या बनाया आज? दाल भात। दाल भात, दाल भात बोले तो दाल चावल। अभी लंच भी कर लिया है, अब थोड़ी देर होगा रेस्ट, क्योंकि हो रही है बाहर कड़क वाली धूप, तो यहाँ पर करेंगे अभी रेस्ट। यहाँ पर ये क्या, सूरज वहाँ जा चुके हैं और पूरी तरह से शाम होने को जा रही है। लगभग बज रहे हैं अभी शाम के 5। मैं सच बताऊँ ना, बिल्कुल भाई सोया रह गया अभी तक, एंड रेस्ट काफ़ी लंबा हो गया। अभी चलना है खेत में, और उससे पहले खाऊंगा नाशपाती, और जैसे ही नाशपाती खा लूँगा उसके बाद सीधे पहुँचता हूँ खेत में, एंड सुबह का बचा हुआ काम पूरा करना है भाई के साथ। नाशपाती खा लेते हैं। घर पे ऐसा ही रहता है, कुछ काम करने के लिए निकलो तो दूसरा काम फट से आ जाता है। अभी गेहूँ उठाने हैं, खेत में नहीं जाना है, पहले गेहूँ उठा लेता हूँ, एंड उसके बाद फिर से रायते की होनी है तैयारी। एंड भैया गए हैं ककड़ी लाने के लिए, उसके बाद ककड़ी को मैं ड्रिम ड्रिम करूँगा, एंड उसके बाद फिर जा कर के सारी व्यवस्था होगी रायते की। सबसे पहले उठाते हैं हम गेहूँ। दो ककड़ी आ गई हैं, इनका करना है मुझे, अरे नहीं, उससे पहले तो गेहूँ उठाने हैं भाव, ये सारे गेहूँ। जाएगा अभी पंचक्की, एंड जब मैं ये कर रहा था, बोल रहा था, ये मुझे घूर घूर करके देख रहा था। हेलो हेलो भरत, हेलो। आपने देखा भैया चले गए थे पंचक्की की ओर, एंड सो मतलब वो जो गेहूं ले गए थे ना, वो एक दो दिन पहले तैयार किए थे, आज वाले नहीं थे। अब आज वाले कल या परसों में जाएंगे, और उसके साथ ही हो गया था अंधेरा। गेहूं उठाए, उसके बाद रायते की सारी तैयारी की थी, जो आपने चारपाई में दो ककड़ी देखी थी ना, तो ककड़ी, और उसके बाद उसके लिए मसाला तैयार किया। सो फाइनली रायता पूरी तरह से तैयार हो गया है, एंड प्रोसेस तो आपने देखी है मेरे पिछले व्लॉगों में किस तरह से रायता तैयार किया जाता है। अंधेरा हो चला है पूरी तरह से, अभी तो मैं कमरे में हूँ, अभी डिनर किया नहीं है, अभी डिनर करने के लिए मैं जाऊँगा। सो गाइस, उसके साथ ही आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट व्लॉग किस टॉपिक पर चाहिए, ज़रूर 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 कमेंट करना, तो फिर आपको उसी टॉपिक पर मिलेगा। एंड सो गाइस, फिर उसके साथ ही 4-5 दिन में यार एक जगह का लंबा टूर लगने वाला है, आप लोगों को वो भी व्लॉग्स देखने को मिल ही जाएंगे। सो गाइस यार, ये यहाँ पर ना थोड़ा इसको यहाँ डाल देता हूँ, ये लटक रहा है ना, सही नहीं लग रहा है। अभी पूरा सेटअप नहीं है मेरे पास, और लाइट भी ये देखिए आप कुछ इस तरह से है, ठीक है, फेस रेड रेड दिख रहा है। सो गाइस, फिर आज के इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, और उसके साथ ही इस वाले वीडियो को यहीं पर कर देते हैं फिर एंड। टेक केयर एंड बाय 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 बाय।